रोलिंग मैम क्या कहना चाहिए, आज गाने का रिकॉर्ड हुआ कैमरा है और लो। बड़े संगीतकार यहाँ पर आए, तो क्या कहना चाहिए आपकी फिल्म के लिए? एक्चुअली मुझे पहली बार तो उनकी सिस्टर का रोल मिला है, सो क्वाइट गुड। मैं अभी मैंने गाना भी सुना, गाना भी अच्छा था, भजन था एक्चुअली, तो अच्छा लगता है ऐसी वॉइस सुनना, कभी कभी ज़्यादा मिलता नहीं सुनने के लिए। तो बॉलीवुड में आप डेब्यू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी की है डेब्यू करने के लिए हिंदी फिल्म से? तैयारी तो चलती रहती है समाओ। सूरज के अपोजिट मेरा रोल है एंड के साथ में एक ऑलरेडी एल्बम कर चुकी हूँ, सो कंफर्टेबल है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आलिया खान से आलिया भट्ट बनने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं आलिया खान ही ठीक हूँ। तो बॉलीवुड की बात करें तो कौन है आपकी इंस्पिरेशन, कुछ बताना चाहिए? इंस्पिरेशन तो करीना कपूर है, और वो सबकी होती है। और इसके अलावा कौन से स्टार हीरो के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर फ्यूचर में, अगर आप बात करें तो? अगर तीन खान में से मैं बात करूँ तो शाहरुख खान ऑब्वियसली। इसके अलावा आपको कब लगा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, इस तरह का कब लगा कि दूसरे भी फील्ड आप कर सकते थे लेकिन बॉलीवुड और ग्लैमर क्यों? बॉलीवुड से पहले मैं मॉडलिंग में थी, मैंने शूट्स किए काफ़ी, मेकअप के रिगार्डिंग मैक के लिए शूट किया है मैंने, और भी मैगजीन्स के लिए शूट किया है, फिर मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट लाइक चेंजेस आने चाहिए, तो मैंने ट्राई किया बॉलीवुड में। तो वर्कशॉप कितनी हुई इस फिल्म के लिए, कुछ हुई है आपकी, के स्क्रिप्ट कुछ सुनाया गया है किस तरह का? नहीं अभी फिलहाल ये मूवी के लिए तो नहीं हुआ है, इसके पहले मैंने किया है काफ़ी, तो उस पर हुआ। थैंक यू सो मच, वेलकम।